राजस्थान की दो राजकुमारियां, दोनों एक से बढ़कर एक, लेकिन बीजेपी किसे करेगी पसंद? जैसा कि हमने पहले कहा था, राजस्थान की राजनीति में राजकुमार और राजकुमारियों का पुराना इतिहास रहा है। किसी भी राजनीतिक पार्टी से ज्यादा यहाँ के राजकुमार और राजकुमारियों की चर्चा ज्यादा होती है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां भी इसका इस्तेमाल करती है। इसलिए तो राजनीति में भी ये राजकुमार और राजकुमारियां अहम किरदार निभाते हैं। जैसे बीजेपी की दो राजकुमारियां जिनको लेकर बीजेपी कंफ्यूज्ड है, वसुंधरा राजे और दिया कुमारी। अब सवाल है कि इन दोनों में से बीजेपी की पसंद कौन है? दरअसल राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी पार्टी की तरफ से अब तक राजस्थान का सीएम फेस डिसाइड नहीं किया गया है। लेकिन बीजेपी के पास चेहरों की कमी नहीं है, इन्हीं में है दो नाम शामिल, बीजेपी नेता वसुंधरा राजे और दिया कुमारी। कौन है वसुंधरा राजे? 8 मार्च 1953 को जन्मी वसुंधरा राजे भूतपूर्व ग्वालियर राजघराने की बेटी है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1984 में मध्य प्रदेश के भिंड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़के की थी। राजे को 1984 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल भी किया गया था। इसके अलावा वसुंधरा राजे दो बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और अभी फिलहाल उनकी इन्हीं खासियत को लेकर कहा जा रहा है कि राजस्थान चुनाव में वो अहम भूमिका को निभाएंगी ही और सीएम का फेस भी बन सकती है। कौन है दिया कुमारी? राजकुमारी दिया कुमारी, जिनका जन्म 30 जनवरी 1971 को जयपुर में हुआ था, वो जयपुर के पूर्व महाराज भवानी सिंह की बेटी है। दिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और जयपुर से की थी और अभी फिलहाल ये 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी है। इसके बाद 2019 में भी इन्हें मौका मिला और इन्होंने राजसमंद से फिर चुनाव जीता और अभी फिलहाल बीजेपी इनसे इंप्रेस्ड है, इसीलिए इनकी भी खूब चर्चा हो रही है। वसुंधरा राजे और दिया में समानता, ये दोनों ही राजकुमारियों में समानता भी है। सबसे पहले तो दोनों ही राजघराने से आती है, दोनों ही महिला है और एक मजबूत पहचान के साथ। दोनों जब बोलती है तो विरोधियों के छक्के छुड़ा देती है, इसीलिए तो दोनों को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को टक्कर देती है। बीजेपी क्यों है कंफ्यूज्ड? अब यही कारण है कि बीजेपी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि दोनों में इतनी समानता है, इसलिए बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और दोनों ही सीएम के चेहरे के लिए परफेक्ट भी है। लोगों का कहना है कि बीजेपी इसलिए इतना टाइम लगा रही है। हालांकि बीजेपी के पास और भी कई चेहरे हैं, अब देखना तो होगा ये कि बीजेपी किसे चुनती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।